तो दोस्तों आज मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने वाली हूँ वो है अजवाइन। जी हाँ दोस्तों, अजवाइन के छोटे छोटे दाने आपके शरीर की कई बीमारियों को घर पर ही खत्म कर सकती हैं। क्योंकि दोस्तों अजवाइन आयुर्वेद में एक औषधि है। आयुर्वेद के जरिए हमारी बीमारियों का इलाज जड़ से किया जाता है। दोस्तों आज अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें पहले एक दवाई देते हैं, फिर ऐसे ही हमारी दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं, लेकिन उसके साथ हमारी बीमारी खत्म नहीं होती। लेकिन आयुर्वेद को अगर आप अपनाते हो, आयुर्वेद की औषधियों का इस्तेमाल करते हो, तो आप अपनी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों हमारी रसोई में कई ऐसी चीजें हैं जो कि आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर हैं, आयुर्वेदिक औषधियां हैं, उनमें से ही एक है अजवाइन। दोस्तों अजवाइन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी होती है। ये हमारे शरीर से कई बीमारियों को खत्म कर सकती है। दोस्तों आयुर्वेद में हमारी बीमारियों का कारण 3 दोषों को बताया गया है, वात, पित्त और कफ, जिसमें से 70-80% बीमारियां हमारे पित्त दोष के बढ़ने से होती है। और अजवाइन हमारे पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। पित्त दोष के बढ़ने से ही हमें डायबिटीज हो जाती है, हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमें हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप अजवाइन का सही तरह से इस्तेमाल करते हो तो आप अपनी इन सभी बीमारियों को घर पर ही खत्म कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको अजवाइन का इस्तेमाल किस तरह से करना है। दोस्तों अक्सर हम अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं सब्जी में तड़का लगाकर, लेकिन ये गलत है। आपको बस क्या करना है, रात को 1 चम्मच अजवाइन का 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देना है, और सुबह उठकर खाली पेट आपको पहले इस पानी को गर्म कर लेना है और बासी मुंह ही इस पानी को पी लेना है। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि जो भी चीज हम सुबह उठकर सबसे पहले खाते हैं या पीते हैं, उसका हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए अगर आप सुबह उठकर खाली पेट अजवाइन का पानी पियोगे तो आपकी कई बीमारियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन की समस्या रहती है तो अजवाइन इसके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन आज एक ऐसी समस्या बन गई है जो कि तकरीबन हर घर में पाई जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों आज ये बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है? तो दोस्तों इसके पीछे का कारण है हमारा गलत खानपान, हमारा गलत लाइफस्टाइल। दोस्तों जब भी हमें भूख लगती है तो हम बहुत जल्दी फास्ट फूड खा लेते हैं, हम चिप्स खा लेते हैं, कुरकुरे खा लेते हैं, बाजार की बनी हुई चीजें खा लेते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस खाने को पचाने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऊपर से और ज्यादा खाते जाते हैं, जिस कारण से हमारे पेट में अनपचा खाना जमा होता रहता है। और दोस्तों यही खाना हमारे शरीर में गंदगी जमा करता है, हमें कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन जैसी समस्या हो जाती है। अगर आप रोज सुबह उठकर खाली पेट अजवाइन का पानी पीते हो तो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों ये वजन को कम करने में भी बहुत ही ज्यादा मददगार है। दोस्तों वजन बढ़ने का कारण है हमारा इम्बैलेंस्ड मेटाबॉलिज्म रेट। दोस्तों मेटाबॉलिज्म रेट ही ये डिसाइड करता है कि हमारा खाया हुआ खाना कितनी जल्दी डाइजेस्ट होगा, कितनी जल्दी वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म रेट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अपने बढ़ते हुए वजन से छुटकारा पाना चाहते हो, तो अजवाइन का पानी इसके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। दोस्तों कई लोगों को लगता है कि अगर हम ज्यादा खाते हैं इसी कारण से हमारा वजन बढ़ता है। दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आपने भी कई ऐसे लोग देखे होंगे जो खाते तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते बहुत ही कम हैं, लेकिन उनका वजन फिर भी बढ़ जाता है। दोस्तों इसके पीछे का कारण मेटाबॉलिज्म रेट ही है। तो अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हो, आप अपने मेटाबॉलिज्म रेट को बैलेंस करना चाहते हो, तो अजवाइन इसके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। अगर आप हमारी इस रेमेडी को अपनाते हो, बासी मुंह अजवाइन का पानी पीते हो, तो आप 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डाइट और बिना किसी एक्सरसाइज के। इसके साथ साथ दोस्तों एक और बीमारी ऐसी है जो कि आज तकरीबन हर घर में पाई जाती है, जिसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या है? दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर का कारण है हमारे खून में गंदगी का बढ़ जाना, हमारे शरीर में एसिड का बढ़ जाना।
क्योंकि दोस्तों आज हम जितनी भी चीजें खाते हैं वो सभी चीजें हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं होती। वो सारी चीजें हमारे शरीर को धीरे धीरे खराब कर देती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में अनपचा खाना जमा होता रहता है। दोस्तों वो अनपचा खाना फिर हमारे ब्लड में जाकर मिल जाता है, जिस कारण से हमारा खून गंदा और गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और जब इस गाढ़े खून को पंप करने के लिए हमारा दिल जोर लगाता है तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर का नाम दे देते हैं। क्योंकि दोस्तों जितना हमारा खून गंदा होगा, गाढ़ा होगा, हमारे दिल को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, उतना ही हमें हार्ट अटैक का खतरा रहता है। लेकिन अगर आप बासी मुंह अजवाइन का पानी पीते हो तो इससे आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो ठीक होगी ही, साथ ही साथ आप हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हार्ट अटैक का मेन कारण भी खून की गंदगी ही है। अगर आपका खून साफ होगा, पतला होगा, तो इससे आप हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, इन दोनों बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर तो एक ऐसी बीमारी है जिसे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साइलेंट किलर का नाम दिया है। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जो कि धीरे धीरे इंसान को मौत की तरफ ले जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। तो अगर आप भी हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो एक बार अजवाइन का पानी पीना शुरू कर दीजिए। आप कुछ ही दिनों में अपनी बॉडी में फर्क महसूस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारी गठिया की प्रॉब्लम को भी खत्म कर देता है। दोस्तों पहले के समय में घुटनों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये बड़ी उम्र के लोगों में पाया जाता था। लेकिन आज ये समस्या नौजवानों में भी पाई जाती है। क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, हमें उतने न्यूट्रिशंस, उतने विटामिन्स नहीं मिल पा रहे जितने हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए चाहिए। और इसके लिए आयुर्वेद बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बीमारियां धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाती हैं। दोस्तों आयुर्वेद का मतलब ये नहीं कि आपने आज दवाई खानी शुरू की तो कल आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। नहीं, आयुर्वेद में आपकी बीमारियों का इलाज धीरे धीरे लेकिन जड़ से किया जाता है। दोस्तों आज हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इतने इतने पैसे खर्च करते हैं, तो एक बार आयुर्वेद को भी जरूर अपना कर देखिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी बीमारियां कैसे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो अगर आप भी अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सभी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आयुर्वेद को जरूर अपनाएं। हमें उम्मीद है आज की हमारी ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।